सभी मेरे प्यारे शिव बाबा, लाडले शिव बाबा, आप जब माउंट आबू साकार परम धाम में जाएंगे तो आपके साथ पहले पहले जाकर सुखधाम में जल्दी आना है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पवित्र रहना है। नहीं तो विजय माला का नंबर पहले लग जाएगा। जन्म जन्मांतर के संस्कार रुद्रमाला के मणकों में हैं। जो जन्म जन्मांतर की राजा बनने वाली आत्माएं हैं यह विजय माला के मणकों में है। पवित्र रहने के संस्कार तो परम नाम कौन पहले जावेंगे? बाप के साथ। और एडवांस में नहीं आती है क्या? एडवांस में क्यों नहीं आती है? बिना एडवांस में आए कोई ऊंची पढ़ाई पढ़े बगैर ऊंच पद पा सकता है? ये तो धारणा ही गलत बना ली। पार्वती ही अगर पार नहीं लगा पाएगी तो फिर पार कौन लगाएगा? पार जाने के लिए हद की पढ़ाई चाहिए या बेहद की पढ़ाई चाहिए? बेहद की पढ़ाई चाहिए। बाबा कहते हैं कि कोई भी आत्मा पवित्र बने बिगर परम धाम वापिस नहीं जा सकती। और दूसरी और कहते हैं इस दुनिया में पूरे पवित्र आत्मा बहुत थोड़ी सी बनती है, तो फिर सभी आत्माएं अपवित्र की अपवित्र ही रह जाती है, तो वो आत्माएं परम धाम में वापिस कैसे जा सकती? धर्मराज किस लिए बैठा है? मार मार के देह में हड्डियां तोड़ देगा। देहमान देह में ही होता है, हड्डियों में होता है, चमड़ी में होता है, मांस में होता है, उधेड़ देगा तो क्या रह जाएगी? आत्मा रह जाएगी, चली जाएगी परम धाम। क्या भूल गए धर्मराज? बिल्कुल। एक मिनट। माताओं कन्याओं में देहवान ज्यादा होता है, देह का होना ज्यादा होता है, और इधर पुरुषों को देहवानी सांड भी कहा है, तो इसमें ज्यादा देहवानी? पुरुषों को देहवानी सांड नहीं कहा है, पुरुषों को कहा है कि पुरुषों में दुर्योधन दुशासन वृत्ति ज्यादा होती है काम विकार के कारण। कन्याओं माताओं के लिए ऐसे नहीं कहा जा सकता कि उनमें काम विकार होता है सब में, कोई कोई सुपन खा पूछना होती है। काम विकार अलग बात है, काम और क्रोध और देहवान अलग बात है। हाँ जी, राधा चंद्रवंशी। हाँ जी, राधा और कृष्ण है, राधा और कृष्ण एक साथ जन्म लेते हैं, वो तो सतयुग में जन्म लेते हैं। वहाँ दो वंश होते हैं क्या? चंद्रवंश और सूर्य वंश द्वैतवाद सतयुग में भी होगा क्या? सूर्य वंश ही होगा या चंद्रवंश भी होगा? सतयुग में कौन सा वंश होता है? हैं? सूर्यवंशी होता है। जो भक्ति मार्ग में राधा कृष्ण की बात आई है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है, सतयुग की कोई यादगार नहीं है। संगम युग में राधा चंद्रवंश की जरूर, यहाँ कोई चंद्रमा रहा होगा, चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा रही होगी, जरूर कोई ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाला रहा होगा।
सूर्य के बच्चे सूर्यवंशी, चंद्रमा के वंश है चंद्रवंशी, चंद्रमा के वंश में राधा होती है जो चंद्रमा को फॉलो करती है, सूर्य वंश में कृष्ण होता है जो सूर्य को फॉलो करता है, सूर्य को फॉलो करने वालों को सूर्यवंशी, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को फॉलो करने वालों को चंद्रवंशी राधा कहा गया। यहाँ दो दो वंश होते हैं, सत्युग में दो वंशों की बात नहीं है। जो जोड़ी जोड़ी है तो वो एक ही माँ बाप से जन्म लेंगे सत्युग में। सत्युग में जो जन्म लेंगे एक माँ बाप के गर्भ से, वो आजीवन विधवा विदुर होकर के तो नहीं रहेंगे, वो तो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के होते हैं। इतना संस्कार मिलकर के आपस में एक हो जावेंगे कि साथ ही साथ 21 जन्म तक जन्म लेंगे और साथ ही साथ शरीर छोड़ेंगे। द्वैतवादी दुनिया के लौकिक बाप एक जन्म के लिए सगाई करते हैं, वो भी सुखी रहे या न रहे कोई पक्का नहीं, और बेहद का बाप कितने जन्म की सगाई पक्की करते हैं, 21 जन्म की सगाई पक्की कर देते हैं। जो वहाँ विधुर और विधवा बनेंगे ही नहीं, साथ ही साथ जन्म लेना और साथ ही साथ शरीर छोड़ना, एक ही जोड़ा, इतना संस्कार मिलकर के एक हो जावेंगे बाबा जी। लेकिन जो पहले जन्म में जोड़ी रहेंगी तो 21 जन्म हो ही रहेंगी, शक आ रहा है क्या? संस्कार मिलकर के एक नहीं होंगे, संस्कार सत्युग त्रेता में भी टकराते रहेंगे क्या? राधा कृष्ण के चेहरे लक्ष्मी नारायण के चित्र में देखो, एक जैसे चेहरे हैं या अलग अलग हैं? चेहरे भी एक जैसे, जैसे आज की दुनिया में भी जुड़वा बच्चे पैदे होते हैं तो उनके चेहरे मोरे एक जैसे होते हैं। हाँ बाबा, अभी इधर उधर राम का ही नाम होता है, है? इधर उधर राम का ही नाम होता है। क्यों? हर जगह चारों ओर गीता का भगवान कृष्ण ही कृष्ण होता है और राम के नाम से दान किया जाता है। अगर किसी की मृत्यु हुई है, कृष्णार्पणम नहीं करते हैं? कृष्णार्पणम भी करते हैं कृष्ण के भक्त। अच्छा चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। किसी की मृत्यु हो गई है तो जाते समय राम का नाम लेते हैं, लेकिन लौटते समय राम का नाम नहीं लिया जाता है, क्यों? जब सत्युग में आवेंगे नई दुनिया में तो भगवान याद आवेगा क्या? याद आवेगा नहीं। जब जावेंगे ये दुनिया छोड़ करके, उस समय सभी को भगवान ही भगवान याद आवेगा। कहाँ की यादगार? शमशान घाट है जैसे कि परम धाम, शांति शांति लगी पड़ी है। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिर जास्ती कहाँ होते हैं? शमशान घाट में। वहाँ जाते हैं मरने के समय, मरते हैं तो वहाँ जाते हैं, जब परम धाम से लौटते हैं तो कोई फिर भगवान को याद। बाबा भी कहते तुम बच्चे जब स्वर्ग में जाएंगे तो मेरे को याद भी नहीं करेंगे। शंकर परम पिता परमात्मा बाप दादा जिसने को आगे रखा गया, पति पावन ने पति को आगे, पावन पति के बगैर पावन किसे बनावेंगे? अगर पतिति ही नहीं होगा तो पावन किसको बनावेंगे? और साधारण पतित मिल जाएगा तो दुनिया पावन मिल जा बन जाएगी, है?
नंबर दो का, नंबर तीन चार पाँच का नंबर, आखिरी नंबर का पतित होगा वो अगर मिल जावे पावन बनाने के लिए, तो उससे दुनिया पावन बनेगी, या नंबर वन पतित मिलेगा तब ही पावन बनेगी। 100% पतित चाहिए और 100% पावन चाहिए। बेहद का पतित चाहिए और बेहद का पावन चाहिए, दोनों का मेल चाहिए। 100% भोगी चाहिए और 100% योगी चाहिए। तो सदा योगी कौन है? इस दुनिया की कोई मनुष्य आत्मा तो सदा योगी हो ही नहीं सकती। सदा शिव तो एक शिव बाबा ही है। इस संसार रूपी वृक्ष में दो ही आत्माएं ऐसी गिनी जाती हैं, जो एक परम भोगी है और एक परम योगी है। इसके लिए वेदों में जो मुख्य वेद है ऋग्वेद, उसमें पहले ये ऋचाएं आई है, द्वा सुपर्णा सोयजा सखाया समानम वृक्षम अविशत सुजाते। ये संसार रूपी वृक्ष है, इस वृक्ष पर दो पक्षी विशेष विराजमान है। एक पक्षी महाभोगी है और एक पक्षी महायोगी है। कहाँ की यादगार? इस संगम की यादगार। हाँ जी, भगवान ने बोला है पानी में जब विनाश होगा, अर्चना का जब वायु ऐसी गिरेगी क्या माउंट आबू में ही बरसात होगी? शरीर उनके शरीर हाँ बर्फ में गड़े रहेंगे हाँ, और बाद में अपने नंबर वा उसी शरीर में आपने आकर बाद में देवी देवता बनेंगे। तो और प्राकृतिक जो जिनके शरीर लिए रहेंगे और वो तो करेंगे नहीं, ऐसे बेबादी रहेंगे, तो यही सरसरा के बराबर हो जाएंगे। जो योगी शरीर होंगे वो ही तो बर्फ में दबेंगे, जो भोगी होंगे वो सर करके खत्म हो जाएंगे या बने रहेंगे, तो खलास हो जाएंगे। और ये ब्राह्मण भाषण में बाबा राम जब शरीर छोड़ते हैं और वो जो उनका अर्थ ले जाते हैं जलाने के लिए, तो ब्राह्मण और गुरुआ की जाति में राम नाम सत्य है। अभी तो भाई ने पूछा, वही तो बात है। नहीं, ये लौकिक की बात है। हाँ, लौकिक की ही बात जो भक्ति मार्ग में चलती है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। जब सब आत्माएं परम धाम जावेंगी, अंतिम समय सबका होगा, तो सबके मुख से क्या निकलेगा? राम नाम। राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य नहीं निकलेगा, वो तो रचना है। रचयिता याद आवेगा या रचना याद आवेगी? रचना एक है या अनेक है? रचनाएं तो अनेक है नंबर बार, और रचयिता एक ही है। वो रचयिता बाप राम ही याद आवेगा। पार्वती के पिता का नाम बाद में रखा है, आबू पर्वत या आबू पर्वत नाम इसलिए रखा गया है कि दुनिया की जितनी भी बदबू वाली आत्माएं हैं, पतित आत्माएं, उन सब को वहां आकर के इकट्ठा होना पड़े। और हिमालय पहाड़ इसलिए नाम रखा गया है कि वो हिम, हिम माने बर्फ, आलय माने घर। जो बर्फ का घर है, क्या उसमें गर्मी नहीं है? क्या दिमाग में जब ज्यादा गर्मी होती है तो संकल्प ज्यादा चलते हैं, या जब ठंडा दिमाग होता है तो संकल्प ज्यादा चलते हैं? ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए दादा लेखराज ब्रह्मा का दिमाग जो है, इतनी मुरलियां चलाई गई तो भी दिमाग कैसा बना रहा? ठंडा।
बर्फ की माफी, इसलिए उनका टाइटल दिया गया हिमालय। हिमालय की पुत्री का नाम पार्वती। बाबा मैं बेसिक में थी तो मम्मी ने सुना अब आपसे नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों की खजा नहीं, ठीक है तो यही अर्थ है अगर ब्राह्मण पक्का ब्राह्मण बन करके चले 100% श्रीमत को पालन कर करके चले तो हेवनली गॉड फादर का बच्चा, हेवनली गॉड फादर का बच्चा हेवन में होना चाहिए या नरक में होना चाहिए, इसका मतलब अगर कुछ बातों की अप्राप्ति है अनुभव होती है तो बाप का बच्चा बना है नहीं बना है, श्रीमत का उल्लंघन करता है। करोड़पति का बच्चा हो अरबपति का बच्चा हो और पैसे पैसे के लिए मोहताज होगा क्या, होगा नहीं होगा, इसका मतलब अभी हम ऐसे ब्राह्मण नहीं बने कि जो इच्छा करे हो मनमाही हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। देवताओं को ऐसा कोई भी अप्राप्ति का संकल्प नहीं आता जो चीज उनको अप्राप्त हो जाए, सब कुछ प्राप्त रहता है तब बनेंगे जब पूरी पूरी श्रीमत पर चलेंगे, और पूरी पूरी श्रीमत पर तब ही चलेंगे जब पक्का निश्चय और विश्वास बैठा होगा कि बाप आया हुआ है और बाप से ही हमको जन्म जन्मांतर की सब प्रकार की प्राप्ति होनी है और कोई भी मनुष्य मात्र से प्राप्ति नहीं होने वाली है, सब धोखेबाज है। जब टाइम आएगा तो सब अपने अपनी लेकर के भाग खड़े होंगे, भगवान ही एक सहारा रहेगा। बाबा एक कुंती पुत्र जिसको दासी पुत्र भी कहा गया कर्ण को, तो वो कर्ण जो है पांडव का पांडव पुत्र होते हुए वो कौरव का साथ दिया उसने, तो ये इसकी वजह क्या है बाबा कि जो मैंने मतलब किस धर्म का इसको कनेक्शन समझेंगे, पांडव से कनेक्शन था या उसका सूर्य से कनेक्शन था, वास्तव में वो पांडव पंडा पांडु पुत्र था या सूर्य पुत्र था, फिर वो तो निराकार का पुत्र था, साकार का पुत्र कहाँ था, कर्ण नाम कर्ण क्यों रखा गया, है आंख नाम क्यों नहीं रख दिया, है कर्ण नाम इसलिए रखा कान क्या काम करता है, है सुनता है, सुनने वालों में नंबर वन कौन है, ब्रह्म। सबसे पहले किसके कान सुनते हैं, ब्रह्मा के कान सुनते हैं। ब्रह्मा वाली आत्मा अभी कौरव संप्रदाय में पार्ट बजाय रही है या पांडव संप्रदाय में पार्ट बजाय रही है, है? वो निराकार को याद करने वाली है या कोई साकार भगवान गीता का है जिसको याद करती है, तो सूर्य पुत्र है या पांडु पुत्र है, है? वो निराकार पुत्र है, दासी पुत्र है। माया क्या हो गई, माया दासी है, यज्ञ के आदि में भी माया दासी थी, जब नई दुनिया बनेगी तो भी माया दासी बन करके रहेगी। दानी बहुत था, ब्रह्मा बाबा से ज्यादा कोई ब्राह्मण बच्चा दानी बना है, है? नहीं बना है। दान भी ये कर्ण कहा जाता है,
धीरे धीरे करके सारे पार्ट बाबा से ही खुलवा ले। बाबा है सभी मनुष्य आत्माओं का मन चलायमान होता है। जब एक शिव बाबा है जिनका मन कभी चलायमान नहीं होता है, तो सबका मन चलायमान न हो इसकी क्या दवा है बाबा, जो हर एक आत्मा के लिए सार्थक है। आत्मा बन जा। मन बड़ा या बुद्धि बड़ी है? बुद्धि बड़ी। शिव बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है या मन वालों का मन है? बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो बुद्धिमान बाप के बच्चे बने हम या मन रूपी ब्रह्मा घोड़ा के बच्चे बने? किसके बच्चे बने? बुद्धिमान बाप के बच्चे बने, आत्मा बने। शिव बाबा सदैव अमन है, अमन चैन में रहने वाला है। और हम सदैव अमन चैन में रहने वाले हैं ये बेचैन हो जाते हैं। क्यों बेचैन हो जाते हैं? क्योंकि मन के कंट्रोल में आ जाते हैं। अपन को आत्मा सदैव नहीं समझते। ये आत्मा तीसरा नेत्र बुद्धि है। देवी के पुजारी रावण संप्रदाय है, वो कैसे बाबा? अरे देवी और देवता, देवी और देवता, भगवान देवता के द्वारा प्रत्यक्ष होता है या देवी के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? क्यों? कारण क्या? अरे अभी इसी बहन ने ही पूछा था, कन्याओं माताओं में देहबान ज्यादा रहता है, देह का होना बहुत खत्म ही नहीं होता। तो आत्मा का पुरुषार्थ करने में पीछे रह जाती है। और पुरुष, पुरुषों में जो अव्वल नंबर है वो आगे बढ़ जाता है। इसलिए देवता में भगवान आते हैं, जो पहले जन्म से लेकर के आखिरी जन्म तक आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का जिसमें मादा है। आत्मा में ही परमात्मा बाप आते हैं। एक ही आत्मा का गायन है आत्मा को परमात्मा, बाकी तो सब देवानी सांडा बन जाते हैं। उनमें अव्वल नंबर कौन है? जिसके पावन बनने से सारी दुनिया पावन बनेगी। अरे एक तो है ही आत्मा, उसको खास परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। खास परिवर्तन करने की किसको जरूरत पड़ती है? दिल्ली, दिल्ली परिस्थान भी बनती है, दिल्ली कब्रस्तान भी बनती है। दिल्ली के ऊपर इतनी जिम्मेवारी है, क्या दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार, सारी दुनिया का सुधार हो जाता है। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि प्रजापिता पावन बन जाएगा तो सब पावन बन जाएंगे। अरे उसमें तो बाप ही बैठा हुआ है, उसको पतित देखने की क्या जरूरत है? इसलिए बोला कि जिनकी बुद्धि देवी की तरफ जाती है, इससे साबित होता है मुकर्रर रथ की तरफ बुद्धि नहीं जाती है। बाबा जामुन तो कुछ जटा क्यों दिखाती? जामुन तो है राम भक्त जो है, तो उसको जटा क्यों दिखाती? जामवंत के सिर्फ सर में ही जटाएं होती हैं या पूरे शरीर में ही जटाएं होती हैं? रीछ होता है ना, रीछ को पूरी देह में बाल होते हैं
या सिर्फ सर में ही बाल होते हैं? क्यों? कोई आदमी के शरीर में कोई बाल नहीं होते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं जैसे महात्मा बच्चा शिशु होता है, किशोर होता है, तो उसके शरीर में बाल ही नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ, वो विकारी हुआ या निर्विकारी हुआ? निर्विकारी होता है, महात्मा कहा जाता है। ऐसे ही मनुष्यों की जातियों में, मनुष्यों के जो धर्म है उन धर्मों में एक धर्म की मनुष्य आत्मा ऐसी है जिनके शरीर में बाल ही बाल भरे होते हैं। ज्यादा बाल है इससे क्या साबित होता है? हैं? विकारी ज्यादा है। लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। जो दुनिया के विकारी से विकारी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम मुस्लिम धर्म, इनसे टक्कर लेने के लिए कौन सा धर्म चाहिए? सिख धर्म चाहिए। तो ज्यादा विकारी चाहिए या कम विकारी चाहिए? इसलिए जामवंत जरूरी है राम की सेना में। उनकी बेटी जामवंती भी चाहिए। बाबा हाँ, हाँ जी। संगम युग में 84 जन्म स्त्री और पुरुष का कैसे होता है? 84 जन्म स्त्री पुरुष कैसे होता है? कैसे का क्या सवाल? अरे वो तो आधा जन्म स्त्री के आधा जन्म पुरुष के होते ही होते हैं। सत्य त्रेता में तो बराबर बराबर रहता है, क्योंकि वहां बैलेंस बिगड़ता नहीं। द्वापर कलयुग में देहभान का बैलेंस बिगड़ जाता है। स्त्री पुरुष की याद में शरीर छोड़ती है तो पुरुष का चोला मिलता है। पुरुष काम विकार प्रधान होने की वजह से स्त्री को याद करता है सारा जीवन, तो अंत समय में स्त्री याद आ जाती है, अंत मते तो गते हो जाती है। हाँ, कोई कोई आत्मा ऐसी भी होती है जो दो जन्म लगातार स्त्री के अथवा दो जन्म लगातार पुरुष के भी लेती है। जिनमें पुरुष वृत्ति ज्यादा होती है वो दो जन्म पुरुष के भी ले सकते हैं। जिनमें स्त्री वृत्ति ज्यादा होती है वो दो जन्म स्त्री के भी लगातार ले सकते हैं। अब बताओ, लक्ष्मी और नारायण, नारायण पुरुष वृत्ति का ज्यादा होगा या लक्ष्मी पुरुष वृत्ति की ज्यादा होगी? नारायण पुरुष वृत्ति का होता है। इसलिए द्वापर युग के आदि से लेकर दो दो जन्म नारायण के, एक जन्म स्त्री का। और नारायणी के है दो दो जन्म स्त्री के होते जावेंगे और एक जन्म पुरुष का होगा। तो दुनिया में सबसे जास्ती कम जन्म पुरुष के किसके होंगे? नारायणी के होंगे या जगदम्बा के होंगे? है नारायणी के क्यों होंगे? नारायणी भी स्त्री चोला और जगदम्बा भी स्त्री चोला संगम युग में। तो जगदम्बा के पुरुष जन्म स्त्री चोले ज्यादा क्यों नहीं होंगे? क्योंकि रुद्रमाला का मणका है, जन्म जन्मांतर राजाई के संस्कार है। राजाएं ज्यादा विकारी बने हैं, कामी और क्रोधी ज्यादा राजाएं होते हैं। पुरुष वृत्ति राजाओं में ज्यादा होती है। पार्वती का पाठधारी विकारी वृत्ति का नहीं होगा, इसलिए स्त्री चोला ज्यादा मिलेगा। ज्यादा पाप कर्म स्त्री चोले में किए जाते हैं या पुरुष चोले में किए जाते हैं? हाँ,
पुरुष चोले में पाप कर्म ज्यादा होते हैं और स्त्री चोले में पाप कर्म हैं कम होते हैं। इसलिए दुनिया की सबसे कम पाप करने वाली आत्मा कौन है? पार्वती। पार्वती खुद भी पार लगती है और औरों को भी पार लगाने के निमित्त बनती है। बाबा लक्ष्मी को ही पार्वती कहते हैं? लक्ष्मी को ही पार्वती कहा जाएगा? संगम को। हाँ, और किसको कहा जाएगा? बाबा शिव बाबा कहते हैं यह ड्रामा बना बनाया है, यह बात तो 100% सत्य है, लेकिन जब भी बना होगा तो आत्मा के संकल्पों से बना होगा कि परमपिता परमात्मा के संकल्पों से बना है? बना बनाया है तो बना होगा क्यों? जब बना बनाया है तो सदैव ही बना बनाया है, बना क्यों होगा? बना होगा माना ड्रामा विनाशी हो गया, बनाया जाता है। अरे ड्रामा तो अविनाशी है, ये सृष्टि ही अविनाशी है। जैसे आत्माएं अविनाशी है वैसे ड्रामा भी अविनाशी है, ये कभी बनाया नहीं जाता। और बाबा अरे अरे उसको भी पूछ लीजिए। बाबा आज की मुरली में कहा है कि कदम कदम पर कदम कदम पर पदम पदम का पदम भरते हैं, तो इसका क्या? पदम कहा जाता है कमल को। कमल फूल जैसे सब फूलों का राजा होता है, ऐसे तुम जो काम श्रीमत के अनुकूल करने के लिए कदम बढ़ाते हो उसमें तुम जैसे राजा बनते जाते हो। अगर जन्म जन्मांतर का राजा बनना है तो कदम कदम पर श्रीमत के कदम बढ़ाते रहो, तो हर कदम में तुम्हारी पदमों की कमाई होती रहेगी। हाँ जी भक्ति मार्ग में कृष्ण को आठवां पुत्र बताया है, लेकिन ज्ञान में देखे तो संगम में भी कृष्ण भी नंबर वन पे आता है, और यदि सत्य भी कृष्ण देखे तो वो भी पहला प्रिंस आता है। नहीं, असुर बड़े होते हैं या देवताएं बड़े होते हैं? पहले जन्म किसका होता है? असुरों का जन्म पहले होता है। जन्म लेना माने प्रत्यक्ष होना, तो ब्राह्मणों की दुनिया में पहले 7 नारायण प्रत्यक्ष हो जाते हैं या पहले 8वां? फर्स्ट जन्म लेता है, 7 नारायण पहले ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। क्राइस्ट का आधार मूर्त कौन है? इब्राहिम का आधार मूर्त कौन है जो सेकंड नारायण बनेगा? ये सारे ही धर्म पिताओं के आधार मूर्त अभी ब्राह्मणों की दुनिया में बैठे हैं या नहीं बैठे? बैठे हैं। तो ये 7 नारायण पहले 7 कृष्ण के रूप में जैसे कि बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। इन 7 की प्रत्यक्षता होने के बाद लास्ट में जाकर के छुपा रुस्तम बाद में खुले, कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष होता है। इसलिए कृष्ण का 8वां जन्म भक्ति मार्ग में गाया हुआ है। भारत में भगवान आते हैं वो बंदरों की सेना लेते हैं। भारत में ही ज्यादा पतित होते हैं कि विदेशों में ज्यादा पतित हैं? विदेशी धर्म वाले न ज्यादा पतित बनते हैं न ज्यादा पावन बनते हैं, तो भगवान को ज्यादा पतित चाहिए या थोड़े बहुत पतितों से काम चल जाएगा? है? अरे ज्यादा पतित चाहिए, कहाँ मिलेंगे? भारत में ही मिलेंगे, तो बहतर भारत में ही बंदरों का मिसाल दिया गया। सतयुग में बच्चों को खेलने का साधन क्या है? अरे ड्रामा बाजी करो,
संगीत विद्या होती है, वाद्य यंत्र होते हैं, गेंद बल्ला तो हर जगह मिल जाता है, बांसुरी तो हर जगह मिल जाएगी, डांस होता है। तो आज की दुनिया में बड़े बड़े ऑफिसर से क्या चाहते हैं? ऑफिस में बैठना पसंद करते हैं या क्लबों में डांस करना पसंद करते हैं? क्या करते हैं? तो जो चाहते हैं आज की दुनिया वो ही वहाँ होगा। बाबा हैं बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत बोल बोल की होगी, इतनी बोल बोल की होगी। ऐसे बोलने वाले भी होते हैं दूसरों को समझने का मौका ही नहीं देते, तो आखिरी जन्म में उनको ये दंड मिल जाता है। क्या अंदर अंदर गुड़ है, अनुभव करते रहेंगे लेकिन दूसरों को सुनाई नहीं सकेंगे। बाबा हाँ, श्रेष्ठ वो आत्मा होगी जो परिवार की जिम्मे ब्राह्मण परिवार की जिम्मेवारी उठाती है, या वो आत्मा श्रेष्ठ होगी जो स्व का पुरस्कार स्व की उन्नति देखती है और स्व का मनुष्य करती? जो स्व का परिवर्तन करेगा वो परिवार का भी परिवर्तन करेगा, जो स्व की आत्मा का ही परिवर्तन नहीं कर पाएगा वो पूरे परिवार और सारे विश्व की जिम्मेवारी कैसे उठा लेगा? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है, परिवार के परिवर्तन की तो बात ही छोड़ो। स्व परिवर्तन किया माना सारे विश्व का परिवर्तन कर दिया। मामा कोई भी निर्णय मन से लेना चाहिए या निर्णय फैसला करने की ताकत बुद्धि में होती है या मन में होती है? ब्रह्मा फैसला कर सका या शंकर फैसला करता है नई दुनिया कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी? तीन मूर्तियां हैं शिव की, फैसला कौन करता है? क्या राइट है क्या रंग है? तीसरी मूर्ति पहली मूर्ति या दूसरी मूर्ति? पहली मूर्ति ब्रह्मा, दूसरी मूर्ति शंकर, तीसरी मूर्ति विष्णु। तो जब तक बुद्धि से फैसला ही नहीं किया जाएगा तब तक प्रैक्टिकल कर्म कैसे करेंगे? ब्रह्मा तो जैसे बच्चा है, शिव बाबा ब्रह्मा को बेबी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा कोई भी फैसला नहीं कर पाता है। बच्चे को जन्म देने वाला है बाप। यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में, बच्चे के रूप में, कृष्ण आत्मा के रूप में अनुभव करने के लिए, पक्का करने के लिए जन्म दिया बाप ने, साक्षात्कारों का अर्थ बताकर। बच्चा बच्चा ही बुद्धि रहता है, बाप बाप की बुद्धि होता है, बाप फैसला करता है राइट और रंग का। तो शंकर को तीसरा नेत्र बुद्धि का दिखाया जाता है, ब्रह्मा तो मनरूपी घोड़ा है, घोड़ा कहो बैल कहो बात एक ही हो गई। बाबा शिव बाबा जब आते हैं बच्चों के सम्मुख शरीर में आकर मुख से बोलते हैं, बच्चों के सम्मुख आकर मुख से बोलते हैं हाँ, और कोई बच्चे है जो बाप के सामने मौन व्रत रखते हैं और पीछे फिर चरखा चलाते हैं, तो आपसे बोलना चाहिए या गुपचुप रहकर मौन करके पीछे चरखा चलाना चाहिए?
चरखा क्या होता है? गांधी जी का चरखा। मैंने गांधी जी ने बड़बड़ ज्यादा की है? ब्रह्मा बाबा ने ज्यादा बड़बड़ की क्या है? संकल्पों का चरखा चलाते हैं। संकल्पों का चरखा चलाते हैं। तू ये भी चरखा चलाते हैं। हमारी बात ही नहीं समझ में। क्या कह रहे हैं ये? पूछने क्या चाहते हैं? बाबा के सामने कोई भी बात हो वो क्लियर करने के बजाय बाबा के सामने चुप रहते हैं और बाबा जाने के बाद वो आपस में चरखा चलाते हैं जिससे वातावरण। हाँ, तो अंदर से एक और बाहर से दूसरा हो गया। जो आत्मा अंदर से एक और बाहर से दूसरी है ऐसा ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक खतरनाक है। ऐसे लोगों से संग के रंग से अपने को बचा के रखना चाहिए। नई दुनिया का संगठन अभी नई दुनिया नहीं बन गया है। नई दुनिया का फाउंडेशन है। फाउंडेशन जमीन के अंदर गुप्त होता है। जब पहली मंजिल बन जाती है तब प्रत्यक्ष होता है। तो अभी गुप्त है। माया हर जगह आती है, मधुबन में नहीं आती है। माया बाप के घर में आती है या नहीं आती है? हैं? आती है। तो जो फाउंडेशन है नई दुनिया का वहां भी माया आवेगी। जब नए मकान का फाउंडेशन डाला जाता है उसमें चैतन्य ईंट पत्थर मट्टी ईंटें डाली जाएंगी और ऊपर से माया का दुर्मुठ बजता है तो सारी की सारी ईंट पत्थर एक ही जगह जाम हो जाएंगे। कुछ बिखर के टूट के इधर उधर भी भागेंगे। हैं? इधर उधर भी भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी नई दुनिया बन गई है। बन नहीं गई है। नई दुनिया का फाउंडेशन है जो बाप दादा ने बच्चों को दे दिया है। बढ़िया से बढ़िया फाउंडेशन लगाए। बाबा हाँ? गंगा ब्रह्मा में मिलती है, है? गंगा ब्रह्मा में जाकर मिलती है और ब्रह्मा सागर में। गंगा ब्रह्मा में जाकर करती है? गंगा जो है ब्रह्मा में जाकर मिलती है। माने ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र है? नहीं, ब्रह्मपुत्र सागर में जाकर मिलती है। ब्रह्मा नदी है या ब्रह्मा हिमालय है? हैं? ब्रह्मपुत्रा नदी तो है लेकिन दुनिया में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं या ब्रह्मपुत्री कहते हैं? क्या कहते हैं? हैं? अरे दुनिया में नक्शे में देखा कभी है? नक्शे में देखा पढ़ा? उस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्री। और बाबा ने नाम दिया ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्म किसे कहा जाता है और ब्रह्मा किसे कहा जाता है? ब्रह्मा बाबा का नाम ब्रह्मा और उनकी पुत्री कौन है जो ऊंची ऊंची स्टेज में ही बहती है? जब नीची स्टेज में आती है तो गंगा उसमें मिलती है। जब तक ऊंची ऊंची स्टेज में पहाड़ों के ऊपर बहती है अपवित्र नहीं बनती। गंगा तो मैदान में आकर के अपवित्र भी बनती है, मैली भी बनती है। अभी तक पता ही नहीं चला कि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की अव्वल नंबर पुत्री कौन?
अरे राधा कृष्ण की अभी अभी बात हो रही थी, अभी अभी भूल गए। बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। हाँ बाबा, ये अष्टदेवों में और नष्टदेव ऐसे चार चार के तीन ग्रुप होते हैं, स्थापनाकारी, पालनाकारी यानी विनाशकारी। हाँ जी, विनाशकारी तो आदि के जो वो तो तीन चार बीज हो गए, आदि के जो चार बीज हैं। हाँ, हाँ। उन जैसा पार्ट बजाने वाले जो आदि से अंत तक विनाश का कार्य करते हैं, निर्माण का कार्य या पालना का कार्य नहीं करते, क्योंकि जो स्थापना करते हैं वो पालना भी करते हैं। तो जो विनाशकारी है वो विनाशकारी आत्माओं जैसे अगर कोई भी मणके निकलेंगे और वो आसुरी सृष्टि का विनाश करने में सबसे जास्ती सहयोगी बनेंगे, तो जो दैवी सृष्टि है वो स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएगी या नहीं हो जाएगी है? इसका मतलब वो अप्रत्यक्ष रूप में दैवी सृष्टि को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन गए। अगर आसुरी सृष्टि को उन्होंने नष्ट न किया होता तो दैवी सृष्टि के बच्चों के द्वारा जो वाइब्रेशन तैयार होना है वो कभी भी तैयार नहीं हो सकता, इसलिए उनको श्रेष्ठ नंबर मिल जाता है। वो कठोर काम है, विनाश का कार्य कोई साधारण काम नहीं है। इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, उन्होंने पुरानी रीतियों कुरीतियों को परंपराओं का विनाश नहीं किया। पुरानी जो चलन है दूसरे दूसरे धर्मों की, खराब चलन, उसका विरोध नहीं किया, अपना धर्म स्थापन कर दिया। तो उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हो गया। सहज काम तो सब कोई कर लेता है, लेकिन कठिन काम करना ये सबके बस की बात नहीं है। तो 12 जो सूर्यवंशी मणके हैं उनमें 4 हैं स्थापनाकारी, 4 हैं पालनाकारी। कौन सी माला से आवेंगे हैं? अरे विजय माला और रुद्रमाला, सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों से मिलकर के माला बनती है, या अकेले से माला बन जाएगी संपन्न? दोनों से मिलेगी। इसलिए सूर्यवंशी 4, चंद्रवंशी 4 और दोनों में से मिलकर के जो विशेष मणके बनते हैं वो 12 बनते हैं, उनकी माला बनती है सूर्यवंशियों की। सूर्यवंशी के बाबा जो 4 हो गए और चंद्रवंशी के 4, 8 हो गए और ये नष्टदेव जो है ये 4, ऐसे 12 पकड़ करके। उनमें भी 2 मुख्य धर्म हैं, इस्लाम और क्रिश्चियन। बाकी जो बौद्ध आदि हैं वो तो बाद में अपने को मर्ज कर देते हैं विधर्मियों में, उनसे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए उनके जो मुखिया हैं वो ही वास्तव में नष्टकारी हैं। और बाबा जयपुर में ब्रह्मपुत्र तो माला का मुनका है। जो ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है कभी नीचे नहीं आती, वो पार्टधारी कौन है जो पतित स्टेज में नहीं आता? बस उत्तरा नाम क्यों दिया है? उत्तरा नाम इसलिए दिया है कि जो पुरुषों को पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंची स्टेज का, वो पुरुषार्थ उसने करके दिखाया नारी चोले में। जयपुर में बाबा 7 बम ब्लास्ट हो गए, उसमें बेहद का अर्थ क्या है? बेहद में कैसे? सातार में लगातार आते हैं, सातारी आत्मा निराकार आते हैं। जोर से बोलिए, साकार में निराकार आते हैं तो क्या हुआ?
परम धाम किस लिए वापस जावेंगे? हैं? जब आए हैं इस सृष्टि पर तो कोई भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर आती है, जीव आत्मा आती है तो बीच में वापस चली जाती है क्या? हैं? कोई वापस नहीं जाता। तो शिव बाबा आकर के वापस चले जाते हैं क्या? वो अपना काम किए पूरा किए बगैर वापस चले जावेंगे? हैं? जावेंगे नहीं, नहीं जावेंगे। जो अच्छे मनुष्य होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो काम पूरा करने के बाद ही हिलते हैं, तब तक अडोल रहते हैं अपनी स्थिति में। बाबा सतयुग में तो सब देवी देवता होते हैं, तो सतयुग में सब पावन होते हैं, देवी देवता होते हैं, लेकिन फिर वो ऐसा ये दिया है मुर्दे जलाने वाले होंगे, मुर्दे जलाने वाले होंगे, ये होंगे, ये कहाँ का निशान है? ये यहाँ संगम युग की बात है, संगम युग में विनाश करने वाले भी चाहिए। किनका विनाश होगा? मुर्दों का विनाश होगा या चैतन्य आत्माओं का विनाश होगा? है मुर्दों का, जो ज्ञान में मुर्दे बने पड़े हैं, ज्ञान लेते भी जाते हैं और कोई फैसला बुद्धि नहीं कर पाती है क्या करना क्या नहीं करना, जहाँ के तहाँ धरे रहते हैं। दास दासी, दास दासी भी वही की बात है, सतयुग में तो प्रकृति दासी होगी, हैं? वहाँ प्रकृति दासी होगी या मनुष्य दास दासी होंगे? प्रकृति दासी हो, वहाँ आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज होगी, ऊंच नीच होंगे, या यहाँ की बात है संगम युग की? संगम युग में इन्हीं आँखों से देखने में आवेगा, कौन कौन ने दास दासी का पुरुषार्थ किया है, कौन कौन ने चांडाल का पुरुषार्थ किया है, कौन मुर्दे का पुरुषार्थी है, देह अभिमान की मिट्टी में गड़े हुए हैं जैसे कि मुर्दे बने पड़े हैं। 70 साल हो गए बाबा को आए हुए, ज्ञान सुनते सुनते 70 साल हो गए, जहाँ का तहाँ खड़े हुए हैं, ठहरती कला बनी पड़ी है, कोई ज्ञान का पॉइंट बुद्धि में धसता ही नहीं। बाबा हाँ। यह पढ़ाई बाबा कहते हैं अंत तक पढ़नी है, तो 2036 तक क्या शिव बाबा पढ़ाते ही रहेंगे? सारी दुनिया को पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी या सिर्फ देवात्माएं ही पढ़ाई पढ़ने के लिए है? आत्मा हम आत्मा हैं, ये पढ़ाई सारी दुनिया को पढ़नी है या सिर्फ देवात्माओं को ही पढ़नी है? पढ़ने वाले बहुत होते हैं, किस पास होने वाले बहुत होते हैं या पास विद आने वाले बहुत होते हैं? पढ़ने वाले तो बहुत होते हैं, ढेर के ढेर, कोई तो कक्षा एक में ही फेल होकर के बैठ जाते हैं। हाँ। दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली जो दो माताएं हैं, तो वो आदिवासी है कि माता जसोदा है? आदि माता है जो देवकी और जसोदा, आदि की दो माता है। देवकी उसे कहा जाता है जो विकारों की जेल में पड़ी हुई हो, त्रेसर जन्म जिसने विकार ज्यादा भोगे होंगे, वो आखिरी जन्म में विकारों की आदि हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली कोई आत्मा है अव्वल नंबर? चाहे आधार मूर्त माया हो, चाहे बीज रूप माया हो, ज्यादा विकारों को भोगने और भोगवाने वाली होती है या नहीं होती है? खुद भी भोगती है और दूसरों को भी भोगने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी आत्मा नंबर वन दासी बनती है। बाबा सतयुग त्रेता में जो आयुष्य मर्यादा है, एक से लेकर 2500 वर्ष तक सतयुग त्रेता की आयुष्य मर्यादा,
कौन सी मर्यादा? आयु मर्यादा। आयु मर्यादा, आयु मर्यादा। हाँ, तो वह संगम से जिसे शिव बाबा प्रत्यक्ष होने के बाद में गिनी जाएंगी या सत्ययुगी कृष्ण या लक्ष्मी नारायण के गद्दे पर बैठने के बाद गिनी जाएगी? गिनती सतयुग में होती है या गिनती द्वापर कलयुग और संगम युग में होती है? दिन कहाँ गिने जाते हैं? दुख में गिने जाते हैं या सुख में दिन गिने जाते हैं? दुख में दिन गिने जाते हैं। सतयुग में दुख होगा है? नहीं होगा तो वहां तो गिनती का सवाल ही नहीं पैदा होगा। इस संगम युग की बात है, संगम युग में गाया जाएगा संबत एक एक एक। प्रश्न कर लो। देवकी का हुआ जसोदा, देवकी का हुआ जसोदा का दूसरा कूद पड़ा, जसोदा का भी क्लियर कर लो। जो यश दे तो यशोदा, जो अपयश दे वो देवकी। माया क्या देती है? हैं? अपयश देती है। ब्रह्मा कुमारियों में कोई आधारभूत माया है? है तो वो अपयश देने का प्रयास कराती है अपने द्वारा और अपने फॉलोअर्स द्वारा, या यश देने का प्रयास कराती है? अपयश दिलाती है। इसके बावजूद भी कृष्ण भक्ति की मां कैसे? तो जेल में तो पड़ी हुई है, उसकी सजा तो मिल रही है, और क्या चाहिए? पेट नहीं भर रहा है। श्रेष्ठ आत्मा है, बुद्धि में बात बैठ नहीं रही है, पत्थर बुद्धि है। अगर छोटी सी गलती न की होती, किसी पतित आसुर को भगवान बाप की सभा में लेकर ना आई होती लगाव के कारण, अटैचमेंट के कारण, तो कितना ऊंच पद होता उसका। साधारण आत्मा थोड़े ही है, सर्वशक्तिवान आत्मा के समकक्ष आत्मा का पाठ बजाने वाली है। सर्वशक्तिवान है बाप, फिर और कौन है सर्वशक्तिवान टाइटलधारी? माया। बाबा ये अष्टदेव में अभी जो क्लियर नहीं हुआ मेरा, जैसे सूर्यवंशी के चार स्थापनाकारी और पालनाकारी चंद्रवंशी के चार, चार चार आठ हो गए, तो इसमें जो अष्टदेव में आठ मन के हैं जो हर धर्म से श्रेष्ठ कनेक्टेड आत्माएं हैं। हाँ जी। तो जो पहला एक मन का डिक्लेयर हो गया सूर्यवंशी चंद्रवंशी से योगिनी मम्मी हो गई, दोनों डिक्लेयर हो गए। अभी तो सिर्फ रुद्रमाला की बात चल रही है या विजयमाला चंद्रवंशी भी आ गए अभी पुरुषार्थ एडवांस पुरुषार्थियों की लाइन में? दोनों तो मन के मंजिली बन तो डिक्लेयर किया गया सर अष्टदेव में बाबा, ये गए। लेकिन जो भी मर के क्लियर किए जा रहे हैं वो पहले रुद्रमाला में क्लियर होंगे। रुद्रमाला भी तो 108 की है, वो रुद्रमाला में से क्लियर किए जा रहे हैं या विजयमाला भी क्लियर होना शुरू हो गई? रुद्रमाला भी हो रही। तो फिर फाइनल जो रिजल्ट होगा, उस फाइनल रिजल्ट में निवृत्ति मार्ग वाले होंगे या प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे? अभी रुद्रमाला के मणकों को प्रवृत्ति मार्ग का पक्का कहें या कच्चा कहें? समान पुरुषार्थी उनको मिल गए हैं या नहीं मिल गए हैं? अभी नहीं मिले हैं, इसलिए माला भी अभी पक्की नहीं कही जा सकती। माला विजय माला क्या जो पावरफुल होता है वो अपनी जगह पर अटल रहता है, या जो कमजोर होता है वो अपनी जगह पर अटल रहता है? पावरफुल होता है जिसमें ज्यादा दम डकार होती है, वो अपनी जगह पे स्थिर होकर के रहता है। हिलना डुलना किसको पड़ता है? जो कमजोर होता है। एक जगह चुंबक रखी हुई है पत्थर,
और एक जगह नजदीक में सामान्य लोहा रखा हुआ है, कौन हिलेगा? चुंबक पत्थर अगर भारी है साधारण लोहे के मुकाबले, तो लोहे को ही झुकना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। इसलिए रुद्रमाला के मणके प्योरिटी में कमजोर हैं। सच्चाई तो है, लेकिन सच्चाई होने के बावजूद भी जन्म जन्मांतर के संस्कार इम्प्योरिटी के हैं। तो अभिविचारी वृत्ति को पकड़ना पड़ेगा। जब बुद्धि में बात बैठ गई कि मूल हमारा साथी कौन है 21 जन्म का, तो बुद्धि एक ही तरफ जानी चाहिए या अनेकों तरफ जानी चाहिए? एक ही तरफ जानी चाहिए। तो माता का प्रश्न यह है, अंत में रुद्रमाला के मणके विजयमाला में जाकर के मिलेंगे या विजयमाला के मणके रुद्रमाला के पास जाएंगे मिलने के लिए? किसको हिलना पड़ेगा? विजयमाला। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं।